आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के लिए साजिश रची जा रही है, यह आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, और अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जेल भेजने की तैयारी है, ये बात आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की तरफ से कही गई है। और इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं का नंबर आएगा, ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की तरफ से कही गई हैं। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती।